गॉड, हर किसी को यहाँ घर में रहना है? इन लोगों ने तो घर को धर्मशाला बना के रख दिया है। तुम्हें प्लीज बोलने की कोई जरूरत नहीं, ऑफ कोर्स तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। बहन है तुम्हारी, मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी फिक्र है। नहीं, आप बहुत बहुत फिक्र करते हो दीदी। तुम रुक जाओ। I'm sorry, मगर आप लोग प्लीज बाहर जाइए। पेशेंट के साथ मैं हूँ, पेशेंट को अभी रेस्ट की जरूरत है, आप लोग प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए। हाँ, बाहर जाइए। लेकिन आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बोल दें। जी। पूर्वी, ठीक हो ना? क्या बात है? अरे, क्या हुआ था? क्या हुआ था? किसे क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ था? मैं वो कॉफिन में थी, फिर मैं बाहर कैसे आई? मामा प्लीज बात मत कीजिए। सर कहाँ ना इन्हें, प्लीज आराम करने दीजिए। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन अभी तुम आराम करो। किसी हैवान का काम है, मतलब जिंदा इंसान को जमीन में गाड़ देना, उसे दफना देना। मेरी तो रूह कांपती है सोच सोच के। जिसने भी ये किया है वो बड़ा खतरनाक है। रब का शुक्र है कि हमारी बच्ची सही सलामत घर आ गई। सही कह रहे हैं भाऊजी आप, उस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए भाऊजी उतना कम है। पूर्वी की किस्मत बहुत अच्छी है कि खौफनाक हादसा होते होते टल गया। सोचकर मेरी रूह कांप उठती है कि उस बच्ची पर क्या गुजरी है। अगर आरवी नहीं पहुंचता ना भौजी, तो उसका क्या हाल होता, ये सब हम जानते हैं। सोचकर तो दिल बैठा जा रहा है मेरा। पीजी प्लीज, आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए। अब तो सब कुछ ठीक है, पूर्वी भी घर आ चुकी है। फिर ऐसे स्ट्रेस लेके अपने अपने तबीयत खराब कर दी, बीपी भी हाई हो चुका है आपका। चलिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए। भौजी आराम से, आप भी जाके आराम कीजिए ना। देखिए भौजी, अब पूर्वी आ गई है घर में, वो ठीक है, हम सबके पास है, ज्यादा चिंता मत कीजिए। आरवी भी तो है उसके पास भौजी, जाके आराम कर लीजिए।